आज उसकी आवश्यकता है। आवश्यकता इस नाते है कि वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो अपने ढंग से कानून चलाते हैं, उसमें सरकार का कोई दखलअंदाजी नहीं है। इस नाते सरकार कानून लेके आ रही है कि उसका मालिक, उसका कहीं अगर गलती हो रही है, कोई गड़बड़ी हो रही है, तो उसमें दखलअंदाजी सरकार का होना चाहिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम इसका विरोध करेंगे, वो उसके लिए नहीं विरोध कर रहे हैं, वो खाली मुसलमानों को वोट लेकर के मुसलमानों को धोखा देने के लिए, गुमराह करने के लिए वो विरोध कर रहे हैं। अगर मुसलमानों की हितैषी होते तो चार बार सरकार थी, तो चार बार में पुलिस की भर्ती में तो मुसलमान को वोट लेना होता तो बोरा का बोरा ले लेते हैं, और जब हिस्सा देना होता तो खाली जोरा थमा देते हैं कि लेके घूमो। तो बतौर मंत्री, आप वक्फ बोर्ड के मंत्री हैं, इसको आप सही मानते हैं? बिल्कुल सही, 100% सही है। कोटे में कोटा आरक्षण सिस्टम पे मायावती जी ने सवाल उठाया है, आपका क्या मत है? देखिए, हमारा मत है, हम शुरू से कहते आ रहे हैं लगभग 22 साल से कि जो आज के तारीख में डीएम, एसपी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल हो गया अनुसूचित जाति जनजाति का, उसको आरक्षण की क्या जरूरत है? उसी तरह बैकवर्ड में हो गया तो उसको क्या जरूरत है? ऐसे लोगों को आरक्षण से बाहर करो, जो गरीब कमजोर हैं, जिनको आरक्षण की जरूरत है, उनको आरक्षण देने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हम उसका स्वागत करते हैं। इसी पर आपने सामाजिक न्याय समिति की भी बात की थी, और आपने भी कहा था कि असल में जो शोषित वंचित हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। देखिए, तीन से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, क्या वैसे लोगों को फायदा दिलाएगा? बिल्कुल, उसी उद्देश्य से, उसी जो हमारा उद्देश्य था, उस उद्देश्य की पूर्ति करता है वो फैसला। 3 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया था उत्तर प्रदेश सरकार को, उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कि जो 27% आरक्षण में जो क्रीमी लेयर लोग हैं उनको अलग कर दो, और जो कमजोर लोग हैं उनको बांट करके आरक्षण दो। जिस रोहिणी, ये रोहिणी आयोग का गठन तो दिल्ली है, यहाँ राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में जो कमेटी हमने खुद बनवाई थी, 7, 9, 11 बांटा था, उस रिपोर्ट को वो फैसला बता रहा कि ये लागू होना चाहिए। अभी डीएनए विवाद आ गया अयोध्या में, किस तरह से देखते हैं? जो कार्रवाई बुलडोजर की हो रही है उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, सरकार सही कदम उठाई है, जो गलत करेगा उसके साथ न्याय दिलाने के लिए, जो पीड़ित परिवार है उसके लिए ये कानून बना हुआ है। और जो अखिलेश जी कह रहे हैं, उनके पिताजी का बयान मुझे आज भी याद है, उन्होंने कहा था कि बच्चों से गलती हो जाती है, उस समय नार्को टेस्ट की बात, या उस समय इन्होंने क्यों नहीं बोला, उस समय जबान नहीं खुली उस समय अखिलेश जी की, आज बोल रहे हैं, किस नाते बोल रहे हैं कि जो सांसद हैं जिनको उन्होंने अयोध्या का राजा कहा था, उनके बारे में भी आ रही है बातें कि उनके साथ फोटो आई है उस आरोपी। नैतिकता के आधार पर उस सांसद को इस्तीफा दे देना चाहिए, और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को ऐसे सांसद से इस्तीफा ले लेना चाहिए। कुछ कहना चाहेंगे समाजवादी पार्टी के नेताओं? अब समाजवादी पार्टी को नेताओं को हम क्या कहें, ऐसे मुद्दों पर ऐसे मुद्दों को, चूंकि वो राजनीति करते ही हैं, उनकी राजनीति सिर्फ दो जातियों पे होती है, मुसलमान और यादव। बुरा लगता है हमारी बात भी उनको, वो कभी मुसलमान को हिस्सा देने की बात नहीं करते, और पिछड़ों की बात लेकर के, और जब उनको हिस्सा देने की बात आती है तो नाई, गोणपाल, प्रजापति, राजभर, चौहान, बिन केवट, मला, आरक, हरकवंशी, बंजारा, इनको वो भूल जाते हैं कि ये लोग भी इस प्रदेश में हैं, वोटर हैं, इनका भी हिस्सा है, ये भूल जाते हैं। इनको ध्यान में खाली वोट के लिए मुसलमान बोलते हैं, हिस्सा देने के लिए नहीं, वोट के लिए पिछड़ों की बात करते हैं, हिस्सा देने की बात आती है तो नहीं। हम तो आपके माध्यम से पूछते हैं समाजवादियों से कि आप बता दो कि आपकी चार बार सरकार थी, आपने अर्कवंशी, बंजारा, बहेलिया को, आपने राजभर, चौहान, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्ला को, इतना के खाली बता दो, कितना आपने नाइबी में पुलिस में भर्ती किया, कितना लेखपाल बनाया, कितना कानून को बनाया, कितना एसडीएम बनाया, ये हमारा सवाल है समाजवादियों से। वोट तो लेते हैं, गुमराह तो करते हैं कि राजभर गलत बोलते हैं, इनको नहीं बोलना चाहिए, लेकिन राजभर हिस्सा चाहिए, हिस्से के लिए लड़ता है, हिस्सा लेने के लिए हम एकदम तैयार रहते हैं।